हेलो एंड वेलकम। गाइस चाय पी लो। ये कौन था बे? छोड़ो हटाओ। हेलो एंड हेलो वेलकम। फ्रेंड्स, चाय पी अबे लो। यार कौन बोल रहा है यार मेरे। ओह लिमिट लिमिट। सो हेलो एंड वेलकम। कमलेश, बहन के कौन बोल रहा है? कौन यार? मेरे को करना ही नहीं है। मेरे को हट उड़। अबे क्या बोलूँ, यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ तो पीछे से पता नहीं कौन एलियन की आवाज़ आने लगती है। अरे चल मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा, तू बोल तो। हाँ चल ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ चल ठीक है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। गाइस मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। सो यार कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में मैं एक और मिस्टीरियस प्लेयर लेकर आया हूँ। और यार मैं बता दूँ ना कि ये जो मिस्टीरियस प्लेयर है, लोग इसे बोलते हैं अ घोस्ट प्लेयर। मतलब ये जो प्लेयर है ये मर चुका है। एंड रियली यार ये मर चुका है। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, जहाँ तक मुझे जहाँ से भी न्यूज़ मिली, सो यार मेरे को पता चला कि ये मर चुका है। और ये वन ऑफ द बेस्ट COC प्लेयर था। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा उसका विलेज और प्रोफाइल कि आखिर वो दिखता कैसा है। सो गाइज वीडियो में आखिरी तक आप सभी बने रहो, ठीक है ना? और यार जो लोग भी नए आए हैं भाइयों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर देना। इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेते रहता हूँ हमेशा। और यार वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक मार देना। तो दोस्तों वो मिस्टीरियस प्लेयर मैं दिखाऊंगा बस ये इंट्रो के बाद। सो गाइज लेट्स गो। सो गाइस चलो यार मैं उनका आपको विलेज दिखाता हूँ। एंड देखो यार मेरे को जहाँ तक लगता है ये बस ये एक थ्योरी है कि लोग बस कहते हैं कि यार वो मर चुका है। और मेरा मतलब मैंने ये यहाँ तक ये भी सुना है कि अगर मैं उनका विजिट करूँगा बेस तो यार मेरा गेम क्रैश कर सकता है या फिर मेरी ID परमानेंट डिलीट हो सकती है। आई डोंट नो यार वाट ये क्या चीज़ है। मेरे को एकदम सीरियसली यार मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। और मैं फर्स्ट टाइम मैं ये प्लेयर सर्च कर रहा हूँ। मेरे को यार एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये टैग दिया था और मेरे को बस उसके लास्ट में लिखा था कि प्लीज़ डोंट विजिट दिस बेस। मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बंदा बोला कि यार बेस विजिट मत करो। तो यार चलो देखते हैं यार इसका बेस एंड लेट्स सी यार कि क्या होता है। क्या मैं सच्ची में यार मेरा ID परमानेंट बैन हो सकता है या फिर यार क्या ये सही है यार कि मेरा गेम क्रैश हो सकता है? मेरे को यार अभी कुछ भी नहीं पता यार। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ कि सर्च नहीं करूँ। लेकिन यार देखो यार ये मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे बेसेस ऐसे होते हैं यार। घोस्ट की मेरे को पता नहीं कि घोस्ट होते हैं कि नहीं, बट बहुत सारे बेसेस ऐसे होते हैं जिनका कुछ बग्स होते हैं यार। कुछ बग्स के कारण दूसरे भी इफेक्ट कर जाते हैं। मतलब जो कोई भी उनका बेस विजिट करता है तो वो बग्स उसके भी बेस में आ जाएगा और सम गेम क्रैश हो सकता है। वैसे भी तुम लोगों को मालूम है यार कि अभी टाउन हॉल 12 का जो अपडेट आया है उसके बाद इतने सारे बग्स आए कि किसी का गेम ओपन नहीं हो रहा है, किसी का वॉर गायब हो जा रहा है, किसी को लूट माइनस में मिल रही है। तो बहुत बहुत सारे बग्स आए हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो होपफुली अभी बग्स का त्यौहार चल रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस में और हो सकता है कि अगर मैं इसका बेस विजिट करूँ और मेरे साथ भी कुछ ऐसा रिस्की चीज़ हो सकता है। बट देखो डर तो लग रहा है यार क्योंकि फर्स्ट देखो यार बहुत मेहनत लगी। आप लोगों को भी पता है यार कि क्लैश ऑफ क्लैंस में टाउन हॉल 9, 10, 11 मैक्स करने में हालत ख़राब हो जाती है। अच्छे अच्छे यार बैठ जाते करते करते और बहुत मेहनत की है यार ये गेम, बहुत मेहनत की गेम है। और अगर 1 सेकंड में वो ख़त्म हो जाए ना तो यार पूरी दुनिया लगता है कि यार उस टाइम पूरी दुनिया खत्म हो गई, ऐसा फील आता है यार। सो चलो यार ज़्यादा बात नहीं करते और हम लोग डायरेक्टली बेस विजिट करते हैं। लेट्स सी यार कि मेरे साथ क्या होता है। सो 3 की काउंट पर हम लोग बेस विजिट करेंगे। 1, 2, 3 लेट्स गो। सो यहाँ पे तुम लोग देख लो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रूप ओपन नहीं है। बेसिकली मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी बेस विजिट नहीं किया है, बस मैंने उसका प्रोफाइल ओपन किया है। तो सबसे पहले तुम लोग देख लो यहाँ इसके कोई भी ट्रूप नहीं खुले हुए, कुछ भी नहीं यार, ना स्पेल ना ट्रूप ना हीरो ना साइड मशीन, नथिंग। और उसके बाद तुम इसका ट्रॉफीज देख लो, 745, उसके बाद ऑल टाइम बेस्ट 782। भाई ये बिना ट्रुप के ये अचीव करना आई थिंक बहुत मुश्किल है। और कुछ लोग बोलेंगे भी भाई कि CC ट्रुप से कर सकता है। चलो ठीक है मैं आपका वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। आ जाओ यार यहाँ पे आ जाओ।
तो यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट यहाँ सेकंड अचीवमेंट देख लो, फर्स्ट अचीवमेंट कंप्लीट है यहाँ पे, और सेकंड अचीवमेंट देख लो गेट दोज गॉब्लिन्स, मतलब विन 10 स्टार, आपको 10 स्टार चैम्पियन मैप यानी गॉब्लिन मैप जो है उसमें 10 स्टार अचीव करना है, जिसमें से ये 9 अचीव कर लिया है। तो देखो यार यहाँ अगर इसने सीसी ट्रूप्स यूज़ भी किए होंगे ना, सो बेसिकली ये थोड़ा मुश्किल होता है गॉब्लिन गॉब्लिन का तुम्हारा जो मैप है उसका फर्स्ट सेकेंड इसे छोड़ के बाकी सब धीरे धीरे हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा यार कि इसका बेस विजिट करने के बाद ये जितने भी डाउट्स हैं ना हम लोग क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यार इसके तो अच्छे खासे अचीवमेंट्स अनलॉक हो रखे हैं। सो अभी चलो यार अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली हम लोग बेस विजिट करते हैं, लेट्स सी कि आखिर मेरे साथ क्या होता है, क्या मेरा सच्ची में गेम क्रश होता है या फिर ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेट्स गो। ओके सो गाइस देखो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ और ऐसा कोई भी डरने की बात नहीं है बेसिकली। अब हम लोग देख लेते हैं यार कि इसका सीसी ट्रूप का जो कैपेसिटी है वो कितना है। सो बेसिकली भाई 15 है। सो बेसिकली 15 में तुम क्या लेके जा सकते हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा एक वल्करी बड़े ट्रूप्स की बात कर रहा हूँ, या फिर एक बेबी ड्रैगन, या फिर एक तुम या फिर 3 लून्स। तो यार मेरे को जानना है कि क्या ये सारे ट्रूप से हम गॉब्लिन मैप्स में ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। चलो खैर वो हटाओ, अगर अचीव कर लिए तो अच्छी बात है। क्या हम लोग ये जो आपको ऑल टाइम बेस्ट दिख रहा है 782 मतलब ब्रॉन्ज जो वन लीग में, ब्रॉन्ज वन लीग में ये अचीव कर सकते हैं? आप इट्स वेरी टफ टू से कि नहीं यार ये मेरे ख्याल से नहीं अचीव हो सकता है सिर्फ सीसी ट्रूप से। और बेसिकली यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो उसके गोल्ड माइन, यहाँ पे एलिक्सर स्टोरेज, और ये है इसका आर्मी कैंप। और आर्मी कैंप में तो आर्मी है ही नहीं भाई, बंदा कोई आर्मी खोला ही नहीं है। सो बेसिकली यार इसे बहुत ही क्रिपी बनाता है ये चीज़, और ये बहुत ही क्रिपी है क्योंकि तुम लोग देख लो यहाँ पे इसके जितने भी ट्रूप्स है कुछ भी नहीं खुला हुआ यार, नथिंग, एंड बहुत ही क्रिपी है। लावा 8 नाम है इसका, क्लैन हम लोग देख लेते हैं। सो बेसिकली इस प्लेयर का हम लोग क्लैन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई क्लैन में इसके कोई भी मेंबर्स एक्टिव नहीं रहते हैं। सो बेसिकली मेरे ख्याल से यार ये एक सिर्फ एक थ्योरी था, जितने भी लोग यार ये बात कहते थे कि भाई आप बेस विजिट मत करो इसका आपका गेम क्रैश हो जाएगा। बेसिकली मेरे को एक अपने एक सब्सक्राइबर्स ने, मेरे एक व्यूअर ने ही मेरे को ये एक टैग दिया और साइड में उसने मेरे को लिखा प्लीज़ डोंट विजिट दिस बेस। एंड भाई मेरे को चैलेंजेस पसंद है, आई लव चैलेंजेस। सो यार अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्रिपी मिस्टीरियस टैग्स है, चाहे वो क्लैन हो या फिर हो एक प्लेयर का, सो बेसिकली आप मेरे को कमेंट में ज़रूर देना एंड मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा। और सही में अगर वो क्रिपी है या फिर कोई मिस्टीरियस लगा, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो और मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा एक वीडियो, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको शाउट आउट दूंगा। तो मैं आपको बता दूं यार ये जो मेरे को टैग दिया है, ये मेरे को टैग दिया है सुपर सेल, मतलब भाई असली वाले नहीं, सुपर सेल नाम के एक बंदे ने मेरे को एक ये टैग दिया, आपको स्क्रीन पे उसका नाम शो कर रहा होगा। तो शाउट आउट टू सुपर सेल। एंड बेसिकली यार बहुत ही खतरनाक ये था कि भाई कोई भी ट्रूप नहीं ऑन है, इट्स अ वेरी क्रिपी। एंड लेट्स सी यार, चलो कोई नहीं यार, अभी मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, आई एम ओके। बट यार मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है एंड आई डोंट नो क्या ये बेस दिखने से हुआ नहीं यार, ये सब अंधविश्वास है। सो बेसिकली कुछ नहीं हुआ यार एंड आप लोग भी टेंशन नहीं लो। सो यार अगर आपके पास इसका सवाल का जवाब है कि यार एक्चुअली ये कैसे इतना अचीव कर सकता है, देख लो यार ब्रॉन्ज वन लीग में है साथ ही साथ गॉब्लिन मैप और ये सब, तो यार मेरे को इसका ज़रूर बताना, ये आपके लिए एक टास्क है। देखते हैं यार कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। और यार वीडियो को लाइक मार दो यार, सारे लोग प्यारा सा लाइक मार दो। और रुको रुको रुको, जितने भी लोग जा रहे हैं, जितने भी यार मेरे मुस्लिम भाई हो या फिर जितने भी मेरे हिंदुस्तानी भाई हो, आप सभी को यार ईद मुबारक, यार सभी को ईद मुबारक। और यार इस ईद आप सभी को खूब सारी ईदी मिले, और यार ये ईद में आपको खुशियाँ नहीं 2 या 3% खुशियाँ ना मिले, 200 या बहुत कम यार, ये बहुत कम है, जितनी खुशियाँ आपको मिल सकता है उतना मिले, जितनी यार जितनी अनलिमिटेड मेरे ख्याल से, तो खूब सारी खुशियाँ मिले इस ईद आप सभी को। सो बेसिकली यार चलो आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में। यार वीडियो शेयर करो यार अभी प्लीज़, सारे लोग वीडियो शेयर करो, जाते जाते वीडियो शेयर कर देना है, करना क्या यार, शेयर का बटन पर क्लिक करो बस, पहुँचा दो अपने दोस्तों तक और दिखा दो उनको भी यार, देखो यार ये एक क्रिपी हम लोगों को एक मिस्टीरियस प्लेयर मिला है, क्रिपी मिस्टीरियस प्लेयर मैंने इसका नाम दिया है। सो बताओ उन लोगों को और उनसे भी पूछो यार कैसे हो सकता है यार, ये पॉसिबल कैसे है। तो चलो यार आप सभी से अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक बाय गाइज़।